गाजा युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने यमन के हूती को इसराइल के खिलाफ किस कदर भड़काया है, ये अब जगजाहिर हो चुका है। हूती लगातार ड्रोन और मिसाइल से लाल सागर को दहला रहा है और इस सारे खेल के पीछे ईरान का हाथ है। ईरान मिडिल ईस्ट में खुद को सुपर पावर बनाना चाहता है और वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुआ है। अमेरिका के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद सैन्य स्तर पर ईरान ने खुद को काफी मजबूत किया है। लेकिन अब ईरान को लेकर एक बेहद ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिससे पता चलता है कि अब ईरान मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका से दो कदम आगे चल रहा है। दरअसल ईरानी सेना के टॉप कमांडर हुसैन सलामी ने खुलासा किया है कि ईरान ने उत्तरी हिंद महासागर और अन्य जगहों पर इजराइल के 12 जहाजों पर हमले किए हैं। सलामी का कहना है कि इजराइल ने ईरान के 14 जहाजों पर हमले किए थे। इजराइल ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो ईरान का तेल निर्यात बाधित करना चाहता था। सलामी ने ये बात IRGC की खत्म अल अनबिया कंस्ट्रक्शन हेडक्वार्टर में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ मुलाकात के दौरान कही है। सलामी का कहना है कि 2018 में ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लगने के बाद इसराइल और ईरान के बीच समुद्री जंग शुरू हो गई थी। इसराइल ने ईरान के तेल निर्यात को बाधित करने के लिए 14 ईरानी जहाजों पर हमला किया था। सलामी ने आगे कहा कि शुरुआत में हमें ये पता नहीं चला कि कौन या कौन सा दोस्त हमारे जहाजों पर हमले कर रहा है, लेकिन आखिरकार हमें पता चला कि इनके पीछे इसराइल, जिसने बेहद ही खुफिया तरीके से इसे अंजाम दिया था। सलामी ने आगे कहा कि उत्तरी हिंद महासागर और अन्य जगहों पर हमने 12 इजरायली जहाजों पर हमले किए। इजराइल के 5वें जहाज पर हमला करने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण के लिए हाथ खड़े कर दिए और कहा कि वो जहाजों के बीच इस युद्ध को खत्म कर रहे हैं। सलामी ने आगे कहा, उन्होंने तेल निर्यात रोकने के लिए हमारे 14 जहाजों पर हमला किया था। हमें पहले नहीं पता था कि इसके पीछे कौन था, क्योंकि ये बहुत गुप्त रूप से किया गया था, लेकिन अंततः हमने पता लगा लिया, इजराइल इसके पीछे है। हमने उनके 12 जहाजों को निशाना बनाया और जब हमने 5वां जहाज पकड़ा तो उन्होंने आत्मसमर्पण के लिए अपने हाथ ऊपर उठा दिए और नौसैनिक टकराव खत्म करने की घोषणा की। इसके अलावा सलामी ने आगे ये भी बताया कि ब्रिटेन ने गिब्राल्टर में हमारे जहाज को जब्त किया और हमने इसके बदले में उनके स्टेना इंपीरियो जहाज को जब्त कर लिया, जिससे उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। उन्होंने ग्रीस में हमारे 2 जहाजों को पकड़ा, हमने उनके 2 जहाजों को और अंततः आत्मसमर्पण करना पड़ा। आपको बता दें कि सलामी ने कहा कि ईरान को यह सब अमेरिका के पिछले 6 साल से लगे हुए कड़े प्रतिबंधों के बीच करना पड़ा। अमेरिका पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने राजनीतिक रूप से हमें अलग थलग करने की कोशिश की। हमें कई दिशाओं से इन खतरों के खिलाफ प्रतिरोधक बनाने की जरूरत पड़ी। पहले हमें अपने शिपिंग रास्तों को सुरक्षित किया। जब अमेरिका ने हमारे एक जहाज को जब्त करने की कोशिश की, हमारी फौज ने इसे रोका और अमेरिका को इसकी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। इसके बाद ईरान पर लागू प्रतिबंध कमजोर करने पड़े और इन सब हालातों के बीच हमने उन सभी दरवाजों को बंद कर दिया जो दुश्मन ने हमारे खिलाफ खोले थे।